बेसिक चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिंबलाइज क्या होता है उसकी, और वेक्टर के काइंड्स को पढ़े थे हमने, डिफरेंट टाइप के वेक्टर को पढ़े थे, ठीक। और इससे जस्ट पीछे वाले वेक्टर में हमने देखा था कि जो वेक्टर है वेक्टर के ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था बेसिकली, कि हम कैसे इसको टेल एंड टिप कॉम्बिनेशन होता है एक सिंबल द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और फॉरेन की जो फॉरेन कंट्रीज़ में जो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं वो कैसे डार्क सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आज हम उसको देखेंगे, उसी को आगे प्रोसीड करेंगे। क्या यहाँ पर देखो, ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर, ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर का मतलब है कि आप इसकी जो ये इसकी प्रॉपर्टी है, ट्रांसलेशन माने होगा कि आप उस वेक्टर को कैसे ट्रांसलेट कर सकते हो, मतलब इधर से उधर आपको एक प्लेन में कैसे उसको हम कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग कैसे हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो देखिए कह क्या रहा है, पैरेलल ट्रांसलेशन ऑफ अ वेक्टर डज नॉट चेंज अ वेक्टर, ठीक है। अगर मैं किसी वेक्टर को पैरेलली ट्रांसलेट करूँ तो क्या होगा, वेक्टर चेंज नहीं होगा, ठीक है। मतलब अब ये वेक्टर के एलजेब्रा है, वेक्टर को सीखने से पहले हम इन एलजेब्रा को, इन प्रॉपर्टी को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग हम वेक्टर को थोड़ा सा कुछ एंगल में भी नहीं हटा सकते, ठीक है। एज इट इज वेक्टर जैसा है उसको वैसे ही लिखना पड़ता है, नहीं तो अगर आप वेक्टर को थोड़ा चेंज कर रहे हो, थोड़ा भी चेंज करना है तो आपको ये प्रॉपर्टी को होल्ड करना पड़ेगा, ये प्रॉपर्टी बतानी पड़ेगी कि आपने ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इस वेक्टर को चेंज कर रखा है। तो पैरेलल शिफ्ट यहाँ पर लिखा है, पैरेलल ट्रांसलेशन का मतलब है कि अगर एक वेक्टर, सपोज ये वेक्टर ए है तो इसी वेक्टर को आप ऐसे पैरेलल करके नीचे पहुँचा सकते हो, ठीक है। इसमें आपने देख रहे हो कि इसमें एक वेक्टर ए था, इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करा, इसमें नीचे इसको यहाँ लिख दिया, इसको नीचे शिफ्ट करा, और शिफ्ट करने के बाद इसको पैरेलल ट्रांसलेशन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है कि हम पैरेलली ट्रांसलेशन कर सकते हैं, ठीक है। या अ वेक्टर डज नॉट चेंज इफ इट इज स्लाइड पैरेलल टू इटसेल्फ इन द सेम प्लेन, ठीक है। आप इस वेक्टर को इसी प्लेन में बिना डायरेक्शन चेंज करे आप इधर से कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। आप इस वेक्टर को, ये जो वेक्टर बनाया इसको वेक्टर को ऐसे करके आप आगे भी बना सकते हो, ठीक है। और अगर आप, मतलब आपको अगर रीज़न देना है तो आप लिखोगे कि वेक्टर अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर हम इस वेक्टर को ऐसे यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। और याद रहेगी ये सेम प्लेन में ही एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब सेम प्लेन यही है कि एक प्लेन, ये मेरे बुक का प्लेन हो गया, कॉपी का प्लेन सॉरी, और एक प्लेन जैसे टेबल है तो टेबल का प्लेन आ गया, ठीक है। तो कोई भी अगर मेरे को एक वेक्टर दिखाना, तो वेक्टर को मेरे को इसी प्लेन में दिखाना पड़ेगा, सेम प्लेन में, ठीक है। यानी अगर बुक के आप इसको कॉपी में बना रहे हो तो कॉपी में ही बनाओगे इस वेक्टर को, दूसरे वेक्टर को आप किसी अदर टेबल में या अदर प्लेन में नहीं बना सकते हो, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। और बस सिर्फ क्या है कि पैरेलली आप शिफ्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर, ये पहली प्रॉपर्टी आ गई इसकी। दूसरी प्रॉपर्टी है रोटेशन ऑफ वेक्टर, अगर आप वेक्टर को रोटेट करना चाहते हो, इस वेक्टर को ऐसे घुमाना चाहते हो, तो वेक्टर, तो ये कहता क्या है कि वेक्टर चेंजेज इट इफ इट इज रोटेट बाय एन एंगल एन अदर एंगल, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर आप इस वेक्टर को ऐसे करके शिफ्ट कर दोगे, देखो पहले क्या था ना, सपोज ये ले लो आप एक वेक्टर, ये मेरा सीधा वेक्टर है, इस वेक्टर को मैं थोड़ा सा ऐसे करके ऊपर को बना दूँ, तो ऑब्वियसली इसके बीच में कुछ एंगल चेंज हो जाएगा, पहले ऐसा था और वेक्टर ऐसे चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके एंगल में चेंज आ जाएगा। तो देखिए आपने क्या किया, मैंने क्या किया, सपोज एक वेक्टर ये था, इस वेक्टर को थोड़ा सा शिफ्ट करके मैंने इसको, पहले सपोज ये ईस्ट डायरेक्शन में था, सपोज एक वेक्टर मेरा ईस्ट डायरेक्शन में था, इसको पकड़ के मैंने सीधे नॉर्थ डायरेक्शन में लेके आ गया, तो ऑब्वियसली जो अब नया वेक्टर होगा वो इसको आर डैश बोलेंगे, पहले ये सपोज आर वेक्टर था, तो जो वेक्टर आप चेंज कर दे, मैंने नॉर्थ डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, तो आप वो बिल्कुल ही पहले वाले वेक्टर से बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। ये आप बिल्कुल ख्याल रखना, अगर मैं इस वेक्टर की डायरेक्शन चेंज कर दूंगा ना, तो वेक्टर का बिल्कुल ही सब चीज़ नॉर्थ डायरेक्शन में हो जाएगा और ये ईस्ट डायरेक्शन होगा, दोनों वेक्टर आपस में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। यानी अगर मैं वेक्टर किसी सिंगल वेक्टर को अगर किसी भी एंगल में घुमाऊंगा तो वेक्टर अब वो सेम नहीं रहेगा, ठीक, क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो गया है। अगली प्रॉपर्टी है इसकी एंगल बिटवीन टू वेक्टर, अच्छा ये क्या बोल रहे हैं, डिस्प्लेस एंड जॉइन टेल टू टेल या टिप टू टिप, ठीक है। अगर मेरे को किसी भी दो वेक्टर को जोड़ना है, किसी भी दो वेक्टर के बीच में एंगल बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, या तो टेल से टेल, आपने देखा होगा ना, इससे पहले हमने जो वेक्टर पढ़ा था तो वेक्टर में देखा था कि इसको पेन लग नहीं रही, हाँ इसको बोलते हैं आपका,
सॉरी यहाँ पर आप बनेगा ये, इसको क्या बोलते हैं, इसको इसको टिप बोलते हैं, इसको टेल बोलते हैं, पीछे को टेल, ठीक है। या तो टेल टू टेल मिलाना है कॉम्बिनेशन, या टिप टू टिप, तभी एंगल बनेगा। ये भी आप बिल्कुल केयरफुली आप इसको समझने की कोशिश करना कि अगर आप मुझे कोई एंगल बनाना है तो टेल टू टेल ही बनेगा। अगर ऐसा, अगर मेरे पास ये टेल है तो टेल से टेल दूसरा वेक्टर का टेल चिपकना चाहिए यहाँ पर, मिलना चाहिए, ठीक है। या टिप टू टिप कॉम्बिनेशन होगा। इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर क्या है, स्टेप वन टिप टू टिप। टिप टू टिप का मतलब देखो कैसा करना है हमको, ये टिप माने पूंछ होती है ना पीछे की, तो ये देखो इस पूंछ को दूसरे, सपोज ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, तो इन दोनों की पूंछ को मैंने ऐसे करके मिला दिया, ठीक है। इस दोनों की टिप को मैंने ऐसे मिला दिया है, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा उसको थीटा बोलेंगे, और ये एंगल पॉसिबल है, ठीक है, ऐसे एंगल बन गया तो, ठीक। दूसरा, या तो दूसरा ऐसा होता है कि टेकिंग अ स्मॉलर एंगल, अच्छा, और ऐसा मिलाने के बाद, ऐसा जब हम मिलाएंगे ना, तो उसमें जो छोटा एंगल होगा ये बाहर वाले भी तो एक एंगल बन जाएगा और अंदर भी एक एंगल बनेगा, ठीक है। तो जो सबसे छोटा एंगल होगा उसी को हम क्या करते हैं, इसमें हम लोग लेते हैं, ठीक है। अगर एंगल ये 30 का एंगल है, बाहर वाला, अगर बाहर वाला जितना बचा, जैसे 360 में से 30 घटा दो आप, तो 330 बचा ना, तो 330 वाला एंगल को नहीं लेंगे, छोटे वाले एंगल को ले लेंगे, हमेशा वेक्टर में याद रहे, ठीक है। उसके बाद छोटे एंगल को लेंगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अच्छा एक यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, जैसे टिप और टिप मिला दिया, तो या तो ए के पॉसिबल, या तो आपका क्या पॉसिबल है, एक टिप, ये टिप आ गया, या तो ये टिप टू टिप कॉम्बिनेशन आ गया, या इसमें थोड़ा टिप पीछे वाले को बोलिए ना, तो टिप ना, टिप आगे वाले को बोल दो, ये टिप आ गया, ये भी आ गया इसका टिप, ठीक है। या तो ये एंगल बनेगा, मतलब टिप टू टिप, या टेल टू टेल, ये टेल वाला कॉम्बिनेशन, ठीक है। यहाँ पर टेल, दोनों के दोनों टेल मिले ना, टेल के द्वारा एंगल बना रखा है, और या तो टिप के द्वारा एंगल बनाएंगे, ठीक है। ये तुम्हारा टिप टू टिप कॉम्बिनेशन, और ये तुम्हारा टेल, ये तुम्हारा टिप टू टिप, और ये तुम्हारा टेल टू टेल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो हम ऐसे ही इन दोनों के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों के थ्रू हम एंगल बना सकते हैं। कोई बच्चा ऐसा नहीं करेगा कि ये एंगल, ये इसका टिप ले लिया और यहाँ पर इसका टेल बना दिया, ठीक है। तो ये जो एंगल बनेगा ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऐसा ऐसा एंगल पॉसिबल नहीं है, हमेशा इन दोनों के कॉम्बिनेशन है, तो टिप, या तो टिप टू टिप या टेल टू टेल, ठीक। अच्छा सपोज यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ 60 है, 60 का एंगल है, तो ये कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा है, ये जो कॉम्बिनेशन बना रखा है वो गलत बना रखा है बेसिकली। क्या यहाँ पर देखो, ये इसका टिप है, ये पहले वाले वेक्टर का टिप है, और ये दूसरे वाले वेक्टर का टेल है, तो टिप से टेल मिला दिया, तो ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो अब हमको एंगल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें लगाएंगे लॉ, लगाएंगे बाई ट्रांसलेशन ऑफ वैक्टर, जो भी पढ़ा था हमने ट्रांसलेशन ऑफ वैक्टर, ठीक है। तो ट्रांसलेशन ऑफ वैक्टर की वजह से हम क्या करेंगे, इसको शिफ्ट कर देंगे ऐसे करके, सीधे आगे लेके आएंगे ऐसे। तो शिफ्ट हमने आगे कर दिया बाई प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ वैक्टर, इसको जब आगे किया, तो आगे करने के बाद क्या हुआ, अच्छा ठीक हो गया। तो आगे करने के बाद होगा क्या कि हमको क्या लेना है, हमेशा छोटा वाला एंगल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एंगल बना होगा ऐसे पूरा, आप समझने की कोशिश करना बेटा, यहाँ देखना एंगल बिटवीन टू वेक्टर, जो एंगल हमेशा जो वेक्टर बनेगा टू वेक्टर बनेगा, हमेशा क्या होगा, लेस देन 180 होगा, ठीक है। 180 हमेशा छोटा बनेगा एंगल। तो जैसे मैंने इसको जब नीचे किया ना, जब इसको मैंने जब नीचे किया, तो ये जो एंगल बनेगा इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, 180 में से 60 घटा के जो एंगल बनेगा 120 बनेगा, ठीक है। एक बार आप ऐसे भी याद रखना कि जो एंगल बनता है हमेशा वेक्टर के बीच में जो एंगल बनता है वो हमेशा 180 से कम बनेगा, ठीक है। 180 या 180 से कम बनेगा, ये भी आप इसकी प्रॉपर्टी को याद रखना, ये प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इसमें क्या होगा, तो या तो थीटा क्या होगा, थीटा 0 से लेकर लाई करेगा 180 के तक, ठीक है। इससे ऊपर लाई नहीं करता है, हमेशा 0 से 180 के बीच में लाई करेगा एंगल, ठीक। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये 60 क्योंकि ये कॉम्बिनेशन गलत है, तो इसको एक को आगे खिसका देंगे ऐसे करके, तो अब एंगल यहाँ बनेगा। तो क्या करेंगे, 180 में से ये पूरा का पूरा, ये 60 है तो 60 में से 180 में से 60 घटा देंगे, तो जो एंगल बनेगा 120 का। अब यहाँ पर देखिए जो कॉम्बिनेशन है, ये भी इसका टेल आ गया और इस वाले वेक्टर का टेल आ गया, ये कॉम्बिनेशन सही है। तो इससे हमको क्या मिलेगा, इसका एंगल मिल जाएगा, वो एंगल कितना होगा, 120, ठीक है स्टूडेंट। ओके लगभग ये बेसिक हो गया है। वेक्टर को मैं दोबारा, और जब ये हम प्लेन मोशन में प्लेन पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।